बता दें कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ जहां बस और ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हो गई। 10 से 12 यात्री इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। ड्राइवर और हेल्पर को चोट आई है, बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। लोहे से भरा हुआ ट्रेलर, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर यह हादसा हुआ है। और यह तस्वीर इस हादसे के बाद की जहां बस और ट्रेलर में आमने सामने की टक्कर हुई और इस भीषण टक्कर में 10 से 12 यात्रियों को चोट आई है। ड्राइवर और हेल्पर भी इसमें घायल हुए। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, कब की यह दुर्घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रहे हैं इसके बारे में? ये अभी कुछ देर की घटना ये बताई जा रही है। जिस तरह से ये रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग है, यहाँ एमपी के धवई एमपी के जो मंगली गांव है वहां से बस जो है छत्तीसगढ़ के चिल्फी की तरफ आ रही थी। इसी बीच जो रायपुर से लोहे का और जो राड है वो लेकर जबलपुर की ओर जा रहा था, इसी बीच मोड़ में ये हादसा हुआ है जिसमें ट्रेलर और बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें 10 से 12 जो यात्री हैं जो सामने के हिस्से में बैठे हुए थे उन्हें चोट आई है, और जो ट्रेलर जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे इसमें जो चालक और उसके हेल्पर है उन्हें भी चोट आई है। किस्मत अच्छी रही कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जिस तरह से ये वाकया हुआ है उसे तो बहुत गंभीर ये हादसा हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि सभी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई है। और जो घायल यात्री हैं उनको 112 और 108 की मदद से जो चिल्फी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां भर्ती कराया गया, उनको उपचार जा रहा है। सभी की हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। और जो घटना के बाद जो लोहे का राड है वो पूरे सड़क में फैल गया था, जिससे पुलिस विभाग के द्वारा जो क्रेन है उससे हटाने का प्रयास कर यातायात जो है वो बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। आशीष के लिए। और बढ़ते आगे खरगोन से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां भुलगांव में पुलिया पर बाढ़ का पानी आ चढ़ा है। दरअसल बाढ़ के बीच पुलिया पर फंसी छात्रा और कोचिंग से लौटते समय पुलिया पर यह फंस गई। ग्रामीणों की तत्परता से इसकी जान बचाई जा सकी। और ये देखिए ये तस्वीरें, जहां पुलिया को पार करते हुए छात्रा आ रही थी उसी दौरान पानी का जो बहाव है वो और तेज हो गया, अचानक पानी और बढ़ गया। इस दौरान पुलिया से उसे ग्रामीणों की मदद से बाहर लाया गया। खरगोन से ये तस्वीरें सामने आई। और ये जो तस्वीर है भारी बारिश की वजह से इस पर ये हालात बन रहे हैं। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष, इस तरह पुलिया के ऊपर पानी चलने की मध्य प्रदेश से कई जगह से तस्वीरें सामने आई, यहाँ पर ये स्थिति कब से बनी हुई है? आशीष में बताना चाहूंगा, बीती रात जैसे लगातार 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही, तो ये बेड़िया थाना है, बेड़िया थाना के फुलगांव में एक ये चीतल नदी है जो पहाड़ी नदी कही जाती है, और पहाड़ी नदी पे अचानक बाढ़ आती है। बाढ़ के चलते हुए ये बच्ची छात्रा है जो स्कूली छात्रा है, कोचिंग के लिए गई हुई थी, और कोचिंग के दौरान जब ये लौट रही थी, तो ये लापरवाही भी कहा जा सकता है कि जो है बाढ़ के चलते पुलिया पार करना चाहती तो अचानक पानी बढ़ जाता है उसके चलते। पर सुखद खबर ये कि जो ग्रामीण था उसने बच्ची को मतलब छात्रा को बचाया है और उसकी जान बचाई है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो आशीष कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बारिश का मौसम चल रहा, लगातार शासन और प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो जब पुलिया पे पानी हो या नदी में बाढ़ हो तो उस हालात में वो पार ना करें और अपनी मतलब बचाव रखें, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की तस्वीर आ रही है। पर ये खरगोन में जो गुलगांव में ये जो है बड़ा हादसा टला है। आशीष बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया, पढ़ाई कर रहे छात्रों की बाल बाल जान बची है। छुरा ब्लॉक के चुरकी दादर प्राथमिक स्कूल में यह हादसा हुआ और करीब 50 छात्र यहां स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, और 8 महीने पहले ही इस भवन की मरम्मत हुई है। यूं नहीं है कि ये भवन बहुत जर्जर हो चुका है, बहुत पुराना हो गया है, या यहां रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ था। 8 महीने पहले ही इस भवन की भरसक मरम्मत की गई थी। लगातार जो सीपेज प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है उससे सनसनी है। और शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, ठेकेदार के काम पर अब सवाल उठ रहे हैं।
जी बिल्कुल आशीष, ठेकेदार के काम पर सवाल उठ रहे थे कि 8 माह हुआ है इसका मरम्मत किए मुख्यमंत्री जतन ये स्कूल योजना के तहत, लेकिन गुणवत्ताहीन काम यहां पर किया गया जिसकी वजह से जो है छत में सिपेज था और लगातार पानी टपकने की वजह से शिक्षक जब वहां 50 बच्चों को पढ़ा रहे थे तो देखे कि सिपेज लगातार हो रहा है और जैसे ही स्कूल से बाहर निकले तो भरभरा कर जो है प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। इस दौरान अगर किसी बच्चे के ऊपर गिर जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता था और समय रहते बच्चों की बाल बाल जान बच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ठेकेदार के काम पर, कि ठेकेदार ने लापरवाही पूर्वक काम किया जिसका नतीजा बच्चे भुगत सकते थे, बच्चों की जान पर आफत बनाई थी। बहरहाल आप देखना होगा कि स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है और IAS के विभाग के देखरेख में यह काम हो रहा था तो अब ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। अगर इसी तरह लापरवाही बढ़ता जाता है तो निश्चित तौर पर और भी जो प्लास्टर है ऊपर में देख सकते हैं पानी सीपेज हो रहा है तो भरभरा कर गिर सकता है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हो सकते हैं। बहरहाल शिक्षक की सूझबूझ से 8 बच्चों की जान बची है और ठेकेदार की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी आदि बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और राजगढ़ में जमीन सीमांकन करने के लिए गई राजस्व की टीम पर हमला किया गया। दरअसल ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर हमला कर दिया, वाहनों के कांच तोड़ दिए गए और हमले में एक पटवारी भी घायल हो गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नई पुरिया गांव की यह पूरी घटना है जहां इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजगढ़ से पूरा मामला सामने आया, राजस्व विभाग की टीम पर हमला किया गया और राजस्व विभाग जो कि जमीन के सीमांकन के लिए गया हुआ था और इस दौरान टीम पर हमला किए जाने का ये पूरा मामला है। और राजस्व विभाग की टीम दरअसल इसी गाड़ी में गई थी जिस गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं। इस तरह राजस्व विभाग की टीम पर हमला किया गया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए और सीमांकन के दौरान ये सब कुछ वहाँ पर हुआ। तो राजकार्य में बाधा डाले जाने का ये सीधा सीधा मामला है। हालांकि ये वाहन क्या विभाग का है या फिर ये उन अधिकारियों में से किसी का निजी वाहन है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और ज़मीन सीमांकन के दौरान ये ग्रामीणों के द्वारा उन पर हमला किया गया था। हालांकि पटवारी को चोट ज़रूर आई है इस पूरे मामले में, ग्रामीणों के द्वारा किए गए हमले के मामले में जहां राजस्व विभाग की टीम पर यह हमला किया गया। अब इसमें किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, रमाकांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। रमाकांत, हमला राजकार्य में बाधा जैसा है और ये जो पूरा मामला बहुत ही गंभीर है, क्या कुछ कार्रवाई की गई इसमें, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, जब राजस्व की टीम वहां सीमांकन करने गई थी तो ये मामला पहले से विवादित था जमीन का, तो दो पक्षों के बीच का ये मामला था। सीमांकन की कार्रवाई के दौरान दोनों पक्ष उग्र हो गए, राजस्व की टीम पर ही हमला कर दिया। इसमें पटवारी को भी चोटें आई हैं, मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा लेकिन स्थिति अब तक काफी बिगड़ चुकी थी। गाड़ी वाड़ी तोड़ दी गई, लोगों ने जो है पथराव भी किया है और इसमें जो है पटवारी जो है स्थानीय पटवारी घायल हुए हैं, वो काफी गंभीर चोटें भी आई हैं, सिर में भी उनके पत्थर वत्थर लगा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।